हम कोलिजन का सेकंड वीडियो लाए हैं। ये बहुत ही छोटा वीडियो है क्योंकि कोलिजन का पहला वीडियो काफी लेंदी हो गया था तो उसमें ये पार्ट ऐड नहीं हो पाया। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन, और कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। दो डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंडीशन है और कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो कोई बहुत नई चीज नहीं मिलनी है। अगर आपने इलास्टिक कोलिजन का वीडियो देख रखा है तो ये चुटकियों का खेल है, और नहीं देखा है तो YouTube पे टाइप करें इलास्टिक कोलिजन फिजिक्स वाला और पहले वीडियो को देखें जिसमें मैंने पूरा इलास्टिक कोलिजन आपको समझाया है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है पूरे कोलिजन में, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के इक्वल होती है, पूरे रास्ते कंजर्व नहीं रहती, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम होती है, और सारे पॉइंट समझाए थे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बाद कि इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो बच्चों होता क्या है, जैसे मान लो यहां पे कोई एक डिस्क है और ये डिस्क का मास मान लो m1 है, वेलोसिटी मान लो u1 है। यहां पे मान लो कोई दूसरी डिस्क है, इस डिस्क का मास मान लो m2 है और वेलोसिटी u2 है। दो डिस्क है, इसको ऐसे समझो जैसे कैरम खेल रहे हैं अपन। कैरम में हम देखते हैं ना अलग अलग गोटियां होती हैं, तो जब हम मारते हैं तो एक गोटी जाके दूसरे को सेंटर पे तो हिट नहीं करती ना, ऐसा तो होता नहीं सेंटर पे मारे, जैसे हम ऐसे मारे ऐसा तो होता नहीं वो सीधी जाए। आप मारते हो तो वैसे किसी एंगल पे जाती है, तो जब किसी एंगल पे जाएगी तभी तो टू डायमेंशन मोशन होगा। तो यहां मानते हैं कि इसने आके इसको थोड़ा सा ऊपर साइड कहीं हिट किया, और ऐसा होने की वजह से समझ में आ रहा है ये डिस्क थी जाके मारा और ये इधर भागा और ये कहीं और भागे, है ना। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा मार के सीधा सीधा चल दिए, थोड़ा ऊपर नीचे लगे, कहीं साइड से मारा, है ना। दिस इज नॉट हेड ऑन कोलिजन, दिस इज नॉट हेड ऑन कोलिजन, क्लियर। तो भैया मारा और ऐसे ऐसे चले, तो हमने देखा कि हेड ऑन क्या होता था, जिसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम हो, पर यहां ऐसा नहीं है, लाइन ऑफ इंपैक्ट कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, थोड़ा ऊपर नीचे से मार रहे हैं साइड से। तो हमने देखा ये जो एम टू वाला भाई साहब है, ये M2 वाले जो भाई साहब हैं, ये ऊपर चले गए विथ वेलोसिटी V1 एट सम एंगल थीटा 1, और ये जो M1 वाले भाई साहब हैं, M1 वाले, ये कहीं नीचे चले गए मान लो विथ वेलोसिटी, इसको मैं V2 लिख लूं और इसको V1 एट सम एंगल थीटा 1, ठीक है, वेरिएबल्स हैं। हमने वाला M1 वाला कोलिजन के बाद नीचे चला गया V1 वेलोसिटी से थीटा 1 एंगल पे, M2 वाला ऊपर चला गया V2 वेलोसिटी से थीटा 2 एंगल पे, क्लियर, सही है। लड़ाई झगड़ा हुआ, कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, उसके बाद ये इधर भागे ये इधर भागे कुछ कुछ एंगल पे, ठीक। अब बच्चों अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हमें पता है मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, तो आइए मोमेंटम कंजर्व करते हैं हम, मोमेंटम कंजर्वेशन। बच्चों इस बार क्या हुआ है कि मोमेंटम दो डायरेक्शन में दिख रहे हैं, कोलिजन के बाद मोमेंटम के दो डायरेक्शन, ये कोलिजन हुआ, यहां आप ये मान के चलोगे u1 ग्रेटर देन u2 तभी ये जाके इसको मारेगा। कोलिजन के बाद दिख रहा है कि मोमेंटम के पास देखो x डायरेक्शन भी है और y डायरेक्शन भी है, तो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन देखना होगा दोनों डायरेक्शन का। तो पहले चलो x डायरेक्शन में देखते हैं, क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स आई है? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो पहले का मोमेंटम है वही बाद का मोमेंटम होगा। तो पहले का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, देखो x डायरेक्शन में m2 v2 cos थीटा 2 प्लस m1 v1 cos थीटा 1, सही है। इसका कंपोनेंट x में कितना आएगा, m2 v2 cos थीटा 2, इसका कंपोनेंट x में कितना आएगा, m1 v1 cos थीटा 1। तो अभी हमने मोमेंटम किस में कंजर्व किया, x डायरेक्शन में, सही है। अच्छा x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम ये था m1 u1 प्लस m2 u2, है कि नहीं, और फाइनल मोमेंटम x में बना m2 v2 cos थीटा 2 m1 v1 cos थीटा 1। तो x डायरेक्शन में हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों y डायरेक्शन की, मुझे ये बताओ y डायरेक्शन में कोई नई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई फोर्स तो आ नहीं रही, ये जाके इसको मारेंगे ये इसको मारेंगे, इक्वल अपोजिट फोर्स कैंसिल हो गई, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही, तो मोमेंटम x में भी कंजर्व रहेगा और y में भी। डिफरेंस क्या है कि x में पहले कुछ मोमेंटम था m1 u1 plus m2 u2, ये x में पहले था,
पर वाई में कोई मोमेंटम नहीं है, तो वाई में इनिशियल मोमेंटम जीरो है। देखो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब फाइनल मोमेंटम भी वाई में कितना होगा, जीरो होगा। तो वाई का जरा मोमेंटम देखो, ये वाला मोमेंटम ऊपर की तरफ बनाएगा एम टू वी टू कॉस, एम टू वी टू ऊपर क्या आएगा साइन थीटा टू, इसको हम प्लस ले लें क्योंकि ऊपर की तरफ है, और ये वाला नीचे की तरफ बनाएगा तो माइनस में आ जाएगा माइनस एम वन वी वन साइन थीटा वन। ये फाइनल मोमेंटम हुआ वाई में, है ना। फाइनल मोमेंटम वाई में क्या होगा, एम टू वी टू साइन थीटा टू प्लस में माइनस एम वन वी वन साइन थीटा वन। स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना है वाई में, जीरो। फाइनली एम टू वी टू साइन थीटा टू प्लस माइनस एम वन वी वन साइन थीटा वन, ये फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल कितना है, जीरो, दोनों बराबर होगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक कंडीशन आपको मिलेगी मोमेंटम को एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करके, एक्स में पहले से मोमेंटम था बाद में भी है। एक कंडीशन मिलेगी मोमेंटम को वाई डायरेक्शन में कंजर्व करके, फॉर एग्जाम्पल इस सवाल में वाई में मोमेंटम नहीं था जीरो, तो बाद में भी कितना होना चाहिए, जीरो, ऊपर वाले ने नीचे वाले को कैंसिल कर दिया। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी से। भाई इलास्टिक कोलिजन में क्या काइनेटिक एनर्जी पूरे रास्ते सेम रहती है, नहीं, पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर जरूर होती है। सो तीसरी कंडीशन आपको मिल जाएगी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये फर्स्ट कंडीशन x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, सेकंड कंडीशन y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड थर्ड कंडीशन विल बी फ्रॉम, थर्ड कंडीशन विल बी फ्रॉम, कहां लिख लूं मैं थर्ड कंडीशन, यहां लिख लूं, थर्ड कंडीशन विल बी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी की हम इक्वेशन बना सकते हैं, मैं यहां पर जगह बना लूं, थोड़ी सी जगह दे दे रे मुझको बाबा। अच्छा बन गई, ओके। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टू वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम वन वी वन स्क्वायर। सिंपल, काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन वगैरह थोड़ी ना कुछ लेता देना, एनर्जी भैया स्केलर क्वांटिटी है तो उसको थोड़ी ना थीटा बीटा से कोई फर्क कुछ नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टू वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम वन वी वन स्क्वायर। नाउ हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव, कितनी इक्वेशन है हमारे पास, वन टू, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से थर्ड इक्वेशन दिख रही है। तो वो क्या करेंगे, वो हमको वी वन वी टू थीटा टू थीटा वन चार वेरिएबल में से, वी वन वी टू थीटा टू थीटा वन चार वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल दे देंगे, फिर बचेंगे कितने, तीन, और मेरे पास कंडीशन भी कितनी है, तीन। क्लियर है एकदम, दो डायमेंशन में आपको क्या करना है, वही करना है जो फन डायमेंशन में कर रहे थे, मोमेंटम कंजर्व करना है और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मोमेंटम में क्या ध्यान रखना है कि मोमेंटम का अब कंपोनेंट देखना होगा, एक्स का मोमेंटम भी कंजर्व, वाई का मोमेंटम भी कंजर्व। नियम सिर्फ एक है, जितना एक्स का मोमेंटम शुरुआत में उतना एक्स का मोमेंटम बाद में, जितना वाई का मोमेंटम शुरुआत में उतना वाई का मोमेंटम बाद में। जैसे यहां एक्स में मोमेंटम कितना है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, तो बाद में भी उसी से इक्वेट कर दिया, जितना होगा बाद का मोमेंटम एक्स में वो इससे इक्वेट किया ना। वाई में मोमेंटम कितना है शुरुआत में, जीरो, तो बाद में जो y में बना उसको जीरो से इक्वेट किया। और तीसरा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में एंगल वगैरह से कोई मतलब नहीं, सिंपल स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, और कुछ नया नहीं है इसमें। चलिए सवाल करते हैं, अभी ऑब्लिक कोलिजन पे पूरा एक डिफरेंट वीडियो है, ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन आगे आएगा वो वीडियो, ठीक है। चलो एक सवाल मैं आपको देता हूं और आप सवाल को इन्हीं कंसेप्ट से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, एक ही सवाल कराऊंगा बस इस पे, बहुत ज्यादा नहीं, एक सवाल करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है तो ट्राई करते रहना, आंसर मत देखना जब तक मैच ना कर जाए कम से कम कोई एक ऑप्शन, ऑप्शन दूंगा मैं, ठीक है।
यहां पे मेरे पास, इसको मिटा दूं मैं, जगह हो जाए। जब तक ऑप्शन मैच नहीं करे तब तक आप पॉज नहीं खोलना। पहले क्वेश्चन देख लो, मैं ऑप्शन लिख दूं। मेरे पास यहां पे एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क ए। यहां पे मेरे पास दूसरी डिस्क है, डिस्क बी। डिस्क बी शुरुआत में रेस्ट पे है और डिस्क ए आगे बढ़ रही है विथ वेलोसिटी वी नॉट। फ्रिक्शनलेस सरफेस है और डिस्क ए ने डिस्क बी को थोड़ा सा ऊपर से मारा है, सेंटर टू सेंटर हेड ऑन तो कोलिजन नहीं है। मारने के बाद की सिचुएशन क्या है ये भी देख लो। मारने के बाद ऐसा हुआ है कि डिस्क ए ऊपर की तरफ भागा विथ सम स्पीड एट सम एंगल वी डोंट नो। डिस्क बी नीचे की तरफ भागा विथ सम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और डिस्क ए ऊपर की तरफ भागा किस स्पीड से हमको पता नहीं है। दोनों डिस्क आइडेंटिकल है, इसका मास m, इसका भी मास m। जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये हुआ है वो फ्रिक्शनलेस है। हमने इसको इस पे मारा, ये इस पे पड़ा और दोनों बिखर गए, दोनों दो डायमेंशन में बिखर गए। b इधर भागा, a इधर। ना a की स्पीड पता है, ना b की स्पीड पता है, ना ये एंगल पता है, बस ये एंगल पता है 45। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन एंड ऑल्सो एंगल थीटा। ये है एंगल थीटा, क्लियर। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए बी सी डी, तो हमें चाहिए स्पीड और एंगल। तो स्पीड हमको मिली वी नॉट रूट टू, एंगल हमको मिला 30 डिग्री। स्पीड हमको मिली वी नॉट रूट टू, एंगल मिला 45 डिग्री। स्पीड हमको मिली वी नॉट बाय रूट टू, एंगल हमको मिला 30 डिग्री। स्पीड मिली वी नॉट बाय रूट टू, एंगल मिला 45 डिग्री। पॉज करके एक बार सच्चे दिल से इस सवाल को ट्राई करें, गिव इट टाइम। जब तक चार में से एक ऑप्शन नहीं मैच करता तब तक आप पॉज बटन को नहीं खोलेंगे। गिव इट टाइम। कर लिया, मैं पांच तक काउंट करूंगा, आप पॉज किए रहो। 1 2 3 4 5, मैं सॉल्व करने जा रहा है इसको, चले करें। चलिए देखते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन एंड ऑल्सो एंगल थीटा। मैं इसको मिटा दूं। चलिए, अब हमें पता है कि ये इलास्टिक कोलिजन है, हमसे बोल रखा है दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले x में लगा लें, x में इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट प्लस, इसका मास भी m और इसकी वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू, इसकी वेलोसिटी नहीं पता, इसकी वेलोसिटी को हम ले लेते हैं v1, इसकी वेलोसिटी को ले लेते हैं v2। कुछ भी तो नहीं पता इसमें, सब तो वेरिएबल है। v1 नहीं पता, v2 नहीं पता, b की स्पीड भी नहीं दी है ना, a की स्पीड भी नहीं दी थी। तो हमने ले लिया v1 v2 एंगल थीटा। अब फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस में लगा रहे हैं, x में। इनिशियल हो गया mv नॉट प्लस m0, फाइनल इसका मास m, मास m। सो x में आएगा एम वी वन कॉस थीटा प्लस इसका आएगा एम वी टू कॉस 45। तो यहां से पहली कंडीशन मिलने वाली है एम 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 कैंसिल, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू बाई रूट टू, कॉस 45 की वैल्यू रूट टू। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, x में लगा चुके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं y में। y में इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। फाइनल मोमेंटम ये बनाएगा ऊपर की तरफ एम वी वन साइन थीटा, ये बनाएगा नीचे की तरफ माइनस एम वी टू साइन 45। बोलो सही है, बहुत बढ़िया। m से m मर जाएगा, फाइनली विल गेट वी वन साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी टू बाई रूट टू। बोलो सही है, ये इधर ले आया टर्म, तो वी वन साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी टू बाई रूट टू। यहां से
सेकेंड वाले से आप एक काम करो, बोल दो v2 इज इक्वल टू रूट टू वी वन साइन थीटा, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे अभी आगे, v2 इज इक्वल टू रूट टू वी वन साइन थीटा, है ना, ये सब्स्टिट्यूट करने का काम आएगा, देखो बढ़िया सा दिख रहा है, v2 की जगह है रूट टू वी वन साइन थीटा, यहां रख देंगे तो v1 की इक्वेशन बनने लगेगी, है ना, फायदा होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली कहानी हो गई, अब क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, एम 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 हाफ 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 मर जाएगा, एम 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 हाफ 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 मर गया, so we get v naught square is equals to v1 square plus v2 square, that gives us condition number 3, ठीक, तीन condition है मेरे पास, तीन variable है v1 v2 theta, तीन condition तीन variable, clear है, मैं इसको equation number 2 बोल देता हूँ, in fact, ठीक है, इसकी जगह इसको बोल देता हूँ equation number 2, तो तीन equation है मेरे पास, मैं बाकी सब board पे rub करना चाहूँगा, ये मैंने rub किया x वाला कहानी, ये रब की वाई की कहानी और ये काइनेटिक एनर्जी कहानी, सिर्फ तीन इक्वेशन रखते हैं अपन, उसको अब सॉल्व करेंगे, क्लियर है। अच्छा अब एक काम करो, ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में और सेकेंड इक्वेशन को थर्ड में पुट करते हैं, तो फर्स्ट क्या है, वी नॉट इज इक्वल्स टू, यहां लिख लेता हूं, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू बाय रूट टू। अच्छा इसमें मैं इसको पुट करता हूं, v2 की जगह रूट टू वी वन कॉस थीटा, वी वन कॉस थीटा, v2 की जगह रूट टू वी वन, रूट टू वी वन साइन थीटा, v2 की जगह मैंने पुट किया रूट टू वी वन साइन थीटा अपॉन रूट टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल, यहां से v0 इज इक्वल्स टू v1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ रहा मेरे पास, v naught is equals to v1 cos theta plus sin theta, v2 की ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो यहां लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, v naught square is equals to v1 square plus v2 square, v2 की वैल्यू इसमें पुट करो, v naught square is equals to v1 square और v2 की जगह root 2 v1 sin theta और उसका स्क्वायर हो जाएगा, so 2 v1 square साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ये, बिल्कुल, सो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर कॉमन वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो यही इक्वेशन बननी चाहिए भाई, दोनों का LHS सेम है, इसका स्क्वायर करते हैं, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब ये और ये सेम होना चाहिए, इधर भी v नॉट स्क्वायर, इधर v नॉट स्क्वायर, RHS में v1 स्क्वायर, मतलब ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए, दोनों इक्वेशन बाकी तो मैच कर रही हैं, ये दोनों टर्म दोनों इक्वेशन के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सो वी कैन से यस और नो, अरे यार क्या इसमें टेंशन ले रहे हो, बराबर बराबर, तो ये टर्म भी क्या होगा, बराबर, सो दोनों टर्म को बराबर कर दें, ये टर्म और ये टर्म, सो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, यार cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, तो ये वन बनेगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, cos square theta plus sin square theta 1, 1 से 1 cancel, तो बचा 2 cos theta sin theta is equals to 2 sin square theta, 2 से 2 मर गया, 1 sin theta से sin theta मर गया, तो sin theta is equals to cos theta, finally we are left with cos theta is equals to sin theta, तो सबको पता है ये condition क्या होती है, theta is equals to 45 पे, है ना, या चाहो तो इसको divide कर लो, tan theta is equals to 1 आ रहा है, इसे ले आओ, tan theta is equals to 1, theta क्या है 45, तो अब ये आंसर हो सकता है सही और ये आंसर हो सकता है सही 45 वाले, अब क्या निकालना है हमको, v1 की वैल्यू कहां से मिल सकती है, कहां से मिल सकती है, यहां से मिल जाएगी,
यहां से मिल जाएगी इजीली v1 की वैल्यू cos 45 plus sin 45. cos 45 is 1 by root 2, sin 45 is again 1 by root 2. यहां से देखो मिल जाएगी हमको, है ना, थीटा की वैल्यू 45 है, इसमें पुट कर दो, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ v1. आओ, थीटा की वैल्यू आई 45, यस और नो? यहां से cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, जिसका मतलब थीटा की वैल्यू हुई 45. अब यहां पुट कर दो, v0 इज इक्वल्स टू v1 cos 45 1 by root 2 sin 45 1 by root 2 v0 is equals to v1 ये कितना हो जाएगा 2 by root 2 2 by root 2 बनेगा 1 by root 2 plus 1 2 by root 2 2 by root 2 को मैं लिख सकता हूं root 2 into root 2 root 2 root 2 मर गया v1 is equals to v0 by root 2 तो v1 की वैल्यू है v0 by root 2 ऑप्शन डी इज करेक्ट आप चाहो तो v2 की वैल्यू भी निकाल सकते तो जो सबसे अच्छा सवाल था 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन का मैंने आपको वो करा दिया तो पढ़ाई करते रहिए अगला वीडियो इन इलास्टिक कोलिजन पे मैं बनाने जा रहा हूं ऑल द वेरी बेस्ट